लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। कार्रवाई करने गए मोहाड़ी के तहसीलदार पर रेत तस्करों ने जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की तो तहसीलदार ने दो बार हवा में फायर कर अपने साथ कर्मियों को बचाया। इस मामले में पुलिस ने दो रेत तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप में मोहाड़ी थाने में मामला दर्ज किया है। घटना बुधवार 2 नवंबर की शाम को घटित हुई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में रोहा के रंजित ठौकर उम्र 30 वर्ष तथा कुशारी निवासी विवेक चामट उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। मोहाड़ी के तहसीलदार दीपक करांडे उम्र 45 वर्ष को बुधवार को रोहा परिसर से रेती चोरी होने की जानकारी मिली थी। इस आधार पर तहसीलदार करांडे मौके पर पहुंचे और रेत तस्करों को वाहन बाजू में लगाने को कहा, लेकिन जेसीबी के चालक ने उनके वाहन के ऊपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की तो करांडे ने स्वयं की लाइसेंस वाली बंदूक से हवा में फायर किया, जिससे रेत तस्कर मौके से भागने लगे। वाहन रोकने को कहने पर भी जब रेत तस्करों ने वाहन नहीं रोका तो तहसीलदार करांडे ने एक बार फिर हवा में फायर किया। यह मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने मोहाड़ी में पहुंचकर मामले को संभाला। शुरुआत में पुलिस ने बुधवार रात को ही रोहा निवासी रंजीत ठौकर उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया। उसके कुछ समय के बाद पुलिस ने आरोपी विवेक चामट उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 353 379 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक जाधव कर रहे हैं।